हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक की तरफ से कुछ इस तरह से ईमेल्स लगभग 4-5 दिन से यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स को मिल रहे हैं। मुझे भी फिलहाल ये ईमेल मिल गया। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, जो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी पेमेंट करते हो, रेंट पेमेंट जो करते हो, इसके ऊपर जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं इसके ऊपर कैपिंग लगा दिया। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट देने को भी बंद कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे एक्सिस बैंक ने रेंट पेमेंट पे रिवॉर्ड पॉइंट मतलब यहाँ पे कैशबैक वगैरह देना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसी को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो सर्विसेज होते हैं उन्होंने यहाँ पे रेंट पेमेंट पे कुछ सर्विसेज पे चार्जेस भी बढ़ा दिए। जैसे कि यहाँ पे स्लाइस ने यहाँ पे रेंट पेमेंट पे चार्जेस भी बढ़ा दिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एचडीएफसी की तरफ से मुझे एक ईमेल आया है। यहाँ पे मेरे पास फिलहाल मनी बैक कार्ड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे कार्ड के हिसाब से मुझे बता दिया गया है कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 1 महीने में यहाँ पे 500 रिवॉर्ड पॉइंट पर मंथ यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पर मंथ रिवॉर्ड पॉइंट ओनली 500 रुपये मिलेगा। और जो इफेक्टिवली चेंजेस होने वाले ये 23/7/2022 से यहाँ पे चेंजेस होने वाले, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 23/7/2022 से ये चेंजेस होने वाले। साथ ही साथ मैंने एक एक्सेल बनाया आपकी जानकारी के लिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड टाइप यहाँ पे लिए, साथ ही साथ उसके ऊपर पर मंथ आपको कितने मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे उसका यहाँ पे जानकारी वाला एक चार्ट बना दिया। तो आपके पास अगर मिलेनियर क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट पर मंथ में मिलेंगे। मनी बैक क्रेडिट कार्ड है तो 500 रिवॉर्ड पॉइंट पर मंथ मिलेंगे। मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है तो भी आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। आपके पास रिगालिया क्रेडिट कार्ड है तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। डायनस का आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है प्रिविलेज तो उसके ऊपर आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। डायनस ब्लैक क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड आपके पास एचडीएफसी बैंक का है तो 2000 यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल सकते हैं पर मंथ। तो यहाँ पे मंथ वाइज कैपिंग है। बहुत सारे लोगों को ईमेल आया है, बहुत सारे लोगों को नहीं आया है। वैसे तो ये चेंजेस होने के लिए यहाँ पे 23/7/2022 की यहाँ पे डेट रखी गई है, तब से उससे पहले पहले आप लोगों के पास ईमेल जरूर से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है कि बाबा ये रिवॉर्ड पॉइंट का कैपिंग लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कैपिंग क्यों लगाया? मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप मुझे पूछोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट कमा रहे, पैसे को तो एक एक महीना यूज कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक का पैसा यहाँ पे यूज करें। ये देखते हुए बहुत सारे बैंकिंग ने यहाँ पे इस सारे चक्कर में, इस सारे फंडा में अपने रिवॉर्ड पॉइंट देना बंद कर दिया है। कुछ बैंक ने तो बंद कर दिया पूरी तरह से, कुछ बैंक ने अपने रेंट पेमेंट फैसिलिटी के इसके ऊपर चार्जेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कुछ बैंक ने ये रिवॉर्ड पॉइंट वाला फंडा हटाना स्टार्ट कर दिया। तो एचडीएफसी ने भी इसके ऊपर एक फर्स्ट कदम तो यहाँ पे रख दिया अपने रिवॉर्ड पॉइंट में कैपिंग लगा के। तो आपको क्या लगता है कि बाबा ये कैपिंग लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बस आज के इस वीडियो में इतना है। यहाँ पे दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।